हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब बेटा, क्या हाल चाल है बेटा। आज हम पढ़ने वाले केमिस्ट्री के पूरे भौतिक रसायन के आल फार्मूले। बेटा यहाँ पे जो भौतिक रसायन है उसके एक एक फार्मूले को हम चुन चुन कर लाए हैं बेटा, और आज एकदम धुआंधारी के साथ पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसके मतलब समझो, जैसे ठोस अवस्था, पहले ये समझो कि फिजिकल केमिस्ट्री में यानी भौतिक रसायन में क्या क्या आता है। भौतिक रसायन में आपका क्या है, चैप्टर ठोस अवस्था, विलयन है, विद्रुत रसायन है, रासायनिक बलगतिकी है, पृष्ठ रसायन है, तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत जो कि कट गया है वो भी है लेकिन उसको हमने हटा दिया है। तो जितने भी भौतिक रासायनिक यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जिन सूत्रों का यूज होता है, जिन वजह से पूछे जाते हैं, जिनमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, उन सारे फार्मूले को हम लेकर यहाँ पे आ गए हैं और एक एक फार्मूला पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कैसा किसका मात्रा कैसे क्या बन रहा है। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑल इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला, और ये नोट्स बेटा हाथ से बनाई गई है, ये नोट्स हाथ से बनाई गई है। सबसे पहले यहाँ पे समझो मेरी बात को, ठोस अवस्था के फार्मूला जितने यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया प्रति एकक परमाणुओं की संख्या के लिए, यानी प्रति एकक परमाणुओं की संख्या के लिए जिसमें आप आवेवीकरण निकालते हो, चाहे वो SCC हो, चाहे BCC हो, चाहे FCC हो, मतलब चाहे वो आद्य एकक कोष्ठिका हो, चाहे काय केंद्रित एकक कोष्ठिका हो, चाहे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका हो, सबका आवेवीकरण निकालते हैं बेटा। कैसे निकालेंगे, चक्रों केवल कोणों पर, जो SCC होता है हमारे पास उसके केवल कोणों पर आवेवीकरण होता है, और कोणों पर आवेवीकरण होगा तो प्रत्येक आवेवीकरण प्रत्येक कोने पर कितने होते हैं, 8, और 8 में सहभागी कितने होते हैं, 1/8, 1/8, तो 8 को 8 से कैंसिल कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, और इस प्रकार से हम उसकी संकुलन क्षमता निकालेंगे तो आता है क्या, 52% आता है बेटा। ठीक है, इसी तरह से BCC का देखें, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, BCC में क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है, BCC में प्रत्येक अवयवी कण कोने पे उपस्थित होते हैं, उसके साथ साथ एक बीच में भी होता है, तो प्रत्येक जो कोने पे अवयवी कण है उनका कितना सहभागी होता है, 1 होता है, और एक इसके बीच में होता है तो 1 के कितने हो जाता है, 2, और इस प्रकार से इसकी संकुलन क्षमता निकालते हो तो आता है 68%। समझ में आया मेरी बात। यहाँ पे चेक करो, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका जिसको आप बोलते हो FCC, इसके बेटा प्रत्येक अवयवी कण जो होते हैं, जैसे आपका कमर होती है, कमर नहीं सर, कमरा होता है, मतलब दीवार होती है, रूम होता है, प्रत्येक अवयवी कण उसके कहाँ पे होते हैं, कोने पर, और उसके साथ साथ उसके फलक पर भी होते हैं बेटा, कहाँ पे होते हैं, फलक पर भी होते हैं, और इस प्रकार से ये बन जाता है FCC। यहाँ पे फलक पर जो होते हैं उनका सहभागिता कितना होता है, 1/2 होता है, फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, आपके कमरे में कितने फलक हैं, 6। कैसे पता करोगे, बगल की दीवार, इधर की दीवार, नीचे की दीवार, ऊपर की दीवार, आगे की दीवार, पीछे की दीवार, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, 6 फलक हो गए, और प्रत्येक फलक में सहभागिता कितनी होती है, 1/2, 6 को इससे भाग करोगे आ जाएगा 3, इसको इससे भाग करोगे आ जाएगा 1, 3 कितना हो जाएगा, 4। इस प्रकार से अगर संकुलन क्षमता को हम निकालेंगे तो उसका जो संकुलन क्षमता निकल के आएगा, जिसको बोलते हो पैकिंग इफिशियंसी, आएगा 74%। तो मुझे लगता होगा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। उसके बाद यहां पे है एकक कोष्ठिका का घनत्व, तो एकक कोष्ठिका का घनत्व जिसको बोलते हो आप कि रो यहां पे घनत्व को क्या होता है, यहां पे घनत्व को कैसे निकलते हो, यहां पे कोष्ठिका का द्रव्यमान, तो एक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। यहाँ पे फिर से एकक कोशिका द्रव्यमान क्या होता है, एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान, और यहाँ पे परमाणु का द्रव्यमान बराबर भी सूत्र हमने लिख दिया है कि तुमको प्रॉब्लम कहीं से भी ना आए बेटा लोग। तो यहाँ पे परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान बेटा अवोगैद्रो संख्या m/NA, एकक कोशिका घनत्व तो बराबर यहाँ पे क्या होता है z×mv×NA। यहाँ पे जेड क्या है, जेड एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, और सूत्र इकाइयों की संख्या है, m क्या है परमाणु का भार या सूत्र है, v क्या है घन का आयतन है, और NA क्या है यहाँ पे अवोगैद्रो संख्या है बेटा, NA क्या है यहाँ पे अवोगैद्रो संख्या है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बेटा, बिलियन चैप्टर में आ जाते हैं, बिलियन चैप्टर को कैसे मैनेज करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे, बिलियन में क्या है, बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए सबसे पहले यूज किया जाता है, बिलियन की सांद्रता को यूज करने के लिए जो सबसे मोलैरिटी, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, PPM, बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बिलियन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम WW, मतलब वेट बाई वेट, वेट बाई मतलब भार बटा भार, भार बटा भार, ऊपर का भी भार, नीचे का भार, सबका भार, भारे भार। यहाँ पर चक्रो, बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान, इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। अगर आपको डिवीजन लिखना होगा कैसे लिखोगे बताते हैं ना, सुनो,
यहाँ पे क्या करोगे, बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और बिलियन का कुल द्रव्यमान के अनुपात को हम द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बबुआ। आगे देखो यहाँ पे आयतन प्रतिशत वी बाई वी, आयतन प्रतिशत मतलब वी बाई विद वैल्यू बाई वैल्यू, आयतन मतलब आयतन बटा आयतन। यहाँ पे ये बेटा मिली लीटर में होता है, सबको बताता है, दुनिया जानती है, जब जानता है तुम भी जानते हो। और अवयव का आयतन बटा बिलियन का कुल आयतन, यहाँ पे आयतन प्रतिशत का अगर आपको निकालना है डिफिनेशन तो बोल सकते हो सर अवयव का आयतन बटा बिलियन का कुल आयतन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत बोलते हैं। तुम्हारा काम समझा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 100 से कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा, यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, ऊपर द्रव्यमान होगा नीचे आयतन होगा, ऊपर ग्राम होगा नीचे ml होगा। हो गया कल्याण बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे समझो मेरी बात को। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पहले इसकी आप डिफिनेशन देखो, एक इकाई जो कि 100 ml बिलियन में घुलते हुए विलेय का द्रव्यमान कहलाती है, जो औषधीय एवं फार्मेसी में उपयोग में लाई जाती है। जैसे सिरप की बोतल ले लो, सिरप की बोतल में क्या होता है, चीनी मिला रहता है, पानी मिला रहता है और सारे मटेरियल्स मिले रहते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा कि जो चीज़ें मिली रहती हैं, जो चीज़ें हैं उसमें, उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि उसमें द्रव्यमान प्रतिशत होता है बेटा 100 ml में। और यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है, विलेय पदार्थ का भार बटा बिलियन का आयतन, जो विलेय का भार होगा वो ग्राम में होगा, आयतन ml में होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 और तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ गया, ठीक है। पार्ट्स प्रति मिलियन, इसको बोलते हो ppm। पार्ट्स प्रति मिलियन का यूज कहाँ होता है जानते हो, पार्ट्स प्रति मिलियन का यूज होता है बेटा जब कभी भी बहुत ज्यादा संख्या में पानी हो आपके पास, पानी बहुत ज्यादा संख्या में हो। जैसे आपके पास कुआं है, कुएं में आपने क्या डाला, चीनी डाल दिया और बोल दो कि अब चीनी की मात्रा बताओ कितनी है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, 10 लाख पार्ट के बराबर है, 10 लाख पार्ट के बराबर है, मतलब 10 लाख में एक पार्ट, 10 लाख में एक पार्ट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो अवयवों के भागों की संख्या बटा बिलियन में उपस्थित सभी अवयव के कुल भागों की संख्या इंटू 10 लाख। वो क्या रहा है, पार्ट प्रति मिलियन, मतलब मिलियन में कुछ पार्ट, मिलियन पर मात्र, यहाँ पे मिलियन में एक पार्ट, मिलियन का एक पार्ट मतलब एक, मतलब बहुत तुच्छ भैया, ठीक है। जैसे 10 लाख आदमी को रख दिया जाए, 10 लाख आदमी में एक आदमी का मोल बताओ, वही कंडीशन है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपके पास मोलरता, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, विलेय के मोल बटा बिलियन के लीटर में आयतन के अनुपात को हम मोलरता कहते हैं। और सूत्र यहाँ पे क्या होता है, विलेय के मोल बटा बिलियन के लीटर में आयतन। यहाँ पे मोललता क्या है, मोलरता, मोललता, मोलालिटी। मोललता क्या बेटा, मोलालिटी क्या है, मोलालिटी। यहाँ पे चेक कर सकते हो, मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटा विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। फिर से, विलेय के मोल बटा विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान के अनुपात को हम मोललता कहते हैं। और ये इसका सूत्र रहा बेटा, ऑटोमेटिक बोल सकते हो, मतलब डिफिनेशन बनाने का बहुत आसान सा नुकसान है रे बाबा, बहुत आसान नुकसान है बेटा, टेंशन ना को। यहाँ पे चेक कर सकते हो नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी क्या होती है सर, नॉर्मेलिटी क्या होती है यहाँ पे, तो विलेय के ग्राम में तुल्यांक बटा बिलियन का लीटर में आयतन के अनुपात को हम नॉर्मलता बोलते हैं। और विलेय के ग्राम में तुल्यांक बटा बिलियन का लीटर में आयतन, ये हो गया इसका सूत्र, और यहाँ पे कल्याण हो गया इसका। आगे चलते हैं इसके डिफिनेशन के ऊपर। डिफिनेशन तो हम तुमको आसानी से बता दे रहे हैं, लेकिन किसी किसी का डिफिनेशन हम लिख देते हैं। देखो अपने यहाँ से लिखोगे ना पेपर में तो ज्यादा मजा आएगा बेटा, ओके, ठीक है। किसी ताप पर बिलियन के एक लीटर में घुलित विलायक के ग्राम तुल्यांक की संख्या को उस ताप पर बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत हमको ना ही है बबुआ, ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं, अब यहाँ पे दो तरह से नॉर्मलता होती है, चेक करो। अम्ल की नॉर्मलता बराबर सूत्र क्या होता है, मोलरता गुणे क्षारकता। अम्ल की नॉर्मलता का परिभाषा कोई पूछे, अम्ल की नॉर्मलता का कोई परिभाषा पूछे तो आप बोल सकते हो मोलरता गुणे मत, गुणे की मतलब गुणनफल, मोलरता के गुणनफल और क्षारकता के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं बेटा, अम्ल की नॉर्मलता बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हो। क्षार की नॉर्मलता क्या होता है, मोलरता गुणे अम्लीयता। यहाँ पे मोलरता गुणे अम्लीयता मतलब मोलरता और अम्लीयता के गुणनफल को हम यहाँ पे नॉर्मलता बोलते हैं। इस तरह से कह सकते हो किसी अवयव का मोल अंश, मोल अंश को मोल प्रभाव भी बोलते हैं भैया, मोल अंश को मोल प्रभाव भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो क्या है, किसी बिलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा उस बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के मोल के अनुपात के बराबर होता है, योग के अनुपात के बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोल अंश बोलते हैं। और मोल अंश मतलब क्या होता है, उस अवयव के मोलों की संख्या बटा बिलियन में मोलों की कुल संख्या। आप ऐसे डिफिनेशन बना सकते हो बेटा, डिफिनेशन सूत्र को याद रखोगे, डिफिनेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा बाबा, टेंशन नहीं ले। यहाँ पे उस अवयव के मोलों की संख्या और बिलियन में मोलों के कुल अनुपात के कुल आयतन कुल संख्या को
अनुपात को हम मोलस कहते हैं बेटा। फॉर्मलता यहाँ पे चेक कर लो, फॉर्मेलिटी क्या होती है, निश्चित ताप पर किसी बिलियन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को उस बिलियन की फॉर्मलता कहते हैं। समझ में आया मेरी बात? इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, विलेय का भार बेटा, विलेय का सूत्र भार, सूत्र द्रव्यमान बटन बिलियन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में। और ये इसको लिखने का एक तरीका और होता है, यहाँ पे डब्ल्यू इंटू थाउजेंड एम वन अपान बी, जहाँ पे W क्या है, स्मॉल W है विलेय का भार, जहाँ पे B है बिलियन का आयतन, जहाँ पे M1 है विलेय का सूत्र द्रव्यमान, यहाँ पे और संख्या गुणधर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा। यहाँ पे क्या है, पहला और संख्या गुणधर्म क्या, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, नेचर पर नहीं, प्रकृति पर नहीं, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है कि संख्या कितनी है, इससे मतलब होता है, इसको किससे मिला रहे हो इससे मतलब नहीं है। संख्या कितनी है मतलब चीनी जितना ज्यादा डालोगे उतना मीठा होगा, चीनी कम डालोगे कम मीठा होगा। समझ में आया हमारी बात? तो यहाँ पे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, और कहीं कहीं इसको राहुल के नियम से भी बोलते हैं बेटा। यहाँ पे है पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट बराबर डब्ल्यू वन इंटू एम, एम टू इंटू डब्ल्यू टू, ये सूत्र है हमारे पास, जहाँ पे डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू तो क्या है जानते हो यहाँ पे, और एम वन और एम टू जो है कम से विलायक और विलेय के मात्रा और मोलर द्रव्यमान है बेटा, ठीक है। आगे चलो, क्वथनांक में उन्नयन है, यहाँ पे डेल्टा टी बी को हम प्रदर्शित करते हैं क्वथनांक का, उन्नयन का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, टी फॉर उन्नयन टेम्परेचर का, समझ गए मेरी बात को? तो के बी इंटू वन थाउजेंड इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, जहाँ पे टी बी क्या है क्वथनांक का उन्नयन है, के बी क्या है क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक है, एम टू क्या है मोलर द्रव्यमान है, और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू क्या है बेटा विलायक है। समझ में आया मेरी बात? यहाँ पे हिमांक का अनुमान है डेल्टा टी एफ, हिमांक मतलब जमना, जमना मतलब यह मतलब फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब जमना, तो यहाँ पे टी एफ लिखा गया है के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। यहाँ पे के एफ क्या है, हिमांक अनुमान स्थिरांक है, बाकी की सारी चीजें आप इसमें जानते हो कि डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू क्या है, एम वन एम टू क्या है, सारी चीजें इसी का है, इसी का सेम मैचिंग है बेटा। आगे चलो, प्रश्न साहब क्या होता है, पाई बराबर होता है सी आर टी या सी एस टी, दोनों इक्वल में होता है बेटा, सी आर टी और सी एस टी दोनों इक्वल में होते हैं यहाँ पे। तो पाई बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एम इंटू बी, और आर टी जहाँ पे डब्ल्यू है विलेय का भार, एम है विलेय का अणुभार, यस और आर विलायक स्थिरांक, और टी क्या है परमताप है, ओके, और वी यहाँ पे विलायक का आयतन है, इसको आप समझ सकते हो। आगे आते हैं बेटवा, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ओम के नियम का 57 बी बराबर आई आर विद्युत रसायन चैप्टर आ गया है, कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा, विद्युत रसायन चैप्टर यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे विद्युत रसायन सबसे पहले जानते हो कि इसको आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सर ओम के नियम का क्या होता है, वी अपॉन आई आर होता है। तो यहाँ चक्रो किसी चालक का प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, जहाँ पे रो है विशिष्ट प्रतिरोध, एल है सेंटीमीटर में चालक की लंबाई, ए है सेंटीमीटर स्क्वायर में चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का मतलब क्या होता है जानते हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास ये एक लवे, हमारे पास एक इसका कलम है, और कलम का इसकी इसकी जो चौड़ाई है यही इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है बेटा, होता था आर ओम में चालक का प्रतिरोध है। समझ में आया मेरी बात? विद्युत चालकता को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, और सी बराबर होता है वन अपॉन आर, सी यहाँ पे क्या है विद्युत चालकता है, यहाँ पे चालक की विशिष्ट चालकता कप्पा, कप्पा बराबर वन अपॉन रो, और यहाँ पे लिख सकते हो इसको सी एल अपॉन ए, के क्या है यहाँ पे विशिष्ट चालकता है, यहाँ पे चेक कर सकते हो तुल्यांक की चालकता क्या होता है, तुल्यांक चालकता होता है लैम्डा इक्वल्स इन इक्वल में कप्पा इंटू वी ई इंटू कप्पा वन अपॉन थाउजेंड अपॉन एन, जहाँ पे एन नॉर्मलता है और लैम्डा ई क्यू तुल्यांक चालकता है, वी ई क्यू यहाँ पे आयतन जिनमें विद्युत अवघट का एक ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, इसका हमने वेरीफाइड कर दिया है कि जहाँ पे जो चीज़ घुला हुआ है। मोलर चालकता क्या होता है बेटा, मोलर चालकता होता है लैम्डा एम, लैम्डा एम क्या होता है मोलर चालकता होता है, यहाँ पे लैम्डा एम बराबर क्या होता है कप्पा इंटू वी एम इक्वल में के इंटू थाउजेंड अपॉन एम, चाहे आप इसको लिखो चाहे आप इसको लिखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो हमारा वी एम है उसका क्या होता है उसके बराबर होता है हंड्रेड यानी थाउजेंड अपॉन एम होता है, जहाँ पे वी एम है वह आयतन जिसमें विद्युत अवघट का एक मोल घुला हुआ है, लैम्डा एम क्या है मोलर चालकता है, और एम क्या है कैपिटल एम क्या है मोलरता है बेटा। कोलराउस का नियम सबको पता होगा, यहाँ पे कोलराउस का नियम क्या होता है, यहाँ पे लैम्डा एम टू इनफाइनाइट अनंत से लेकर मोलर चालकता, यहाँ पे क्या है उसके दोनों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है, इसको दुनिया जानती है। तो यहाँ पे मान लो आपके पास NaCl है, तो यहाँ पे NaCl बराबर हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, के कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी विद्युत अवघट में उसके धनायन तथा ऋणायन, धनायन मान लो अगर NaCl हमारे पास है तो Na प्लस में टूटेगा, C
सीएल माइनस में टूटेगा तो यहाँ पे उसका धनायन तथा ऋणायन के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे वैद्य रासायनिक तुल्यांक जेड बराबर होता है ई अपान 96,500। सेल अभिक्रिया क्या होता है, ई सेल बराबर होता है ई रेड माइनस ई लेफ्ट। यहाँ पे क्या होता है, आर क्या है और माइनस एल क्या है। देखो यहाँ पे लेफ्ट है, लाइट है, इसको आपको अगले से न्यूमेरिकल, इसके बाद बेटा जो यूट्यूब पे सेशन आने वाला है बहुत धमाकेदार आएगा, टेंशन ना लो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाएंगे इसका। हम रात का 9 बजे सेशन है और मजा आएगा, टेंशन ना लेना। यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक के साथ करवाया जाएगा, एकदम मस्त फिलहाल एकदम मतलब जोर दिया जाएगा अच्छे से। इलेक्ट्रोड विभव का नैसर समीकरण, नैसर समीकरण बराबर क्या होता है, E बराबर E नॉट माइनस 2.0303 RT अपॉन NF log बेस का 10 M अपॉन M का पावर N प्लस 2 होता है। बेटा ये चीजें क्या है मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पे E बराबर है इलेक्ट्रोड विभव, E नॉट है मानक इलेक्ट्रोड विभव जो अपचयन करवाता है, R क्या है गैस नियतांक है, T क्या है तापमान के लिए केल्विन में है, F क्या है फैराडे स्थिरांक है, M क्या है शुद्ध ठोस द्रव धातु की मात्रा है, और MN प्लस का जो यहाँ पे दिखता है तुमको ये क्या है सर, ये आयनों की मोलर सांद्रता है। यहां पे समझ सकते हो आप, इस हिसाब से आप समझो यहां पे रासायनिक क्रिया का वेग, रासायनिक क्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा उत्पादों में वृद्धि अपान समय अंतराल, इसको क्या बोलते हो आप, डेल्टा डेल्टा आर अपान डेल्टा टी बोलते हो ना बेटा, उसी हिसाब से यहाँ पे जैसे औसत वेग यहाँ पे क्या है माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, एक होता है बेटा हमारे पास अभिकारक की और एक होता है उत्पाद की। अभिकारक धीरे धीरे घटता है, उत्पाद धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए अभिकारक माइनस में होता है, उत्पाद प्लस में होता है। समझ में आया मेरी बात, शून्य कोण की अभिक्रिया यहाँ पे माइनस डी ए अपान डी टी बराबर के, यहाँ पे एक पावर सुन ले सकते हो आप, और प्रथम कोण की अभिक्रिया ले सकते हो आप बेटा, वेग बराबर यहाँ पे माइनस का डी ए अपान डी टी, क्योंकि बेटा अभिकारक है, ए क्या है अभिकारक है, बी क्या है अभिकारक है, सी क्या है अभिकारक है, उत्पाद जब बनेगा तो उत्पाद के बारे में देखा जाएगा यहाँ पे बेटा। इस प्रकार से हमने क्या किया, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से, जितने इंपॉर्टेंट बेस्ट क्वेश्चन थे उनको मैं लेकर यहाँ पे आया हूँ और उनको मैंने पूरे अच्छे से एनालिसिस किया और पूरे अच्छे से आपको बताया हूँ। दूसरी बात बेटा, जितने भी न्यूमेरिकल जितने भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इसका लेक्चर तुमको मिलेगा बेटा यूट्यूब पे, एकदम फ्री सेशन, एकदम झक्कास मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड पेपर में हर बार पूछे जाते हैं और फटाफट मिलेगा, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। एक बार जिसको स्क्रीन शॉट लेना हो मैं पीछे कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट फिजिक्स के केमिस्ट्री फार्मूला प्रत्येक परमाणु की संख्या के लिए टेक अ स्क्रीन शॉट ठीक है। अगला चेक करो यहाँ पे, इसका चेक करो यहाँ पे, स्क्रीन शॉट लो जल्दी से, स्क्रीन शॉट लो फटाफट से, फटाफट जल्दी, फिर से पीछे वीडियो करके लेना, फिर से इसका स्क्रीन शॉट लो, चलो इसका स्क्रीन शॉट लो फिर से जल्दी से, जल्दी टेक अ स्क्रीन शॉट जल्दी से जल्दी बेटा स्क्रीन शॉट लो फटाफट, ताकि मजा आए और एकदम मस्त रहे, टेक अ स्क्रीन शॉट मेरे बच्चों। और यहाँ पे मजा आने वाला है क्लास में, इतना मजा आएगा कि दुनिया के हर कोने कोने के बच्चों के पास मजा पहुंचेगा, टेंशन की बात नहीं है मेरे लाल, मेरे सोने मेरे हीरे। यहाँ पर चेक करो जल्दी से, टेक अ स्क्रीन शॉट जल्दी जल्दी सब करो बेटा, स्क्रीन शॉट जल्दी जल्दी लो, इसलिए मैं हट गया हूँ यहाँ पे कि तुम लोगों को क्लियर दिखे बेटा। टेक अ स्क्रीन शॉट फटाफट मारो, स्क्रीन शॉट मारो फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे शेर। और यहाँ पे अगर आपको ये सारी चीजें आ गई ना तो बोर्ड पेपर में तुमको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये सारी चीजें आ गई तो मैं कहता हूँ बोर्ड पेपर में टॉप करने से दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं रोक सकती है। सारी चीजें एनालिसिस आप इसके बाद कंपटीशन की तैयारी भी करोगे बेटा, इसके बाद कंपटीशन की तैयारी भी करोगे और उस कंपटीशन की तैयारी में तुमको बहुत सारी चीजें यहाँ पे लाभकारी होंगी, इस बात को ध्यान देना। और इसी के साथ बेटा पूरा आप स्क्रीन शॉट ले लिए हो और मिलते हैं हम बेटा तुमको शाम को लेक्चर में, और मजा आएगा एकदम धुआंधार तरीके से। तो मिलते हैं सर शाम को, ओके टट्टा बाय, नमस्कार।